ज्यादा भरोसा और कोई नहीं कर सकता। तो पहले खुद अपने सपनों पर भरोसा करें। अच्छे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ जुड़े रहे। नमस्कार, मैं हूँ अनुष्का तिवारी नव भारत से। सुपर वुमन कैंपेन के तहत आज हमारे साथ एक और सुपर वुमन है जिनका नाम है मृणाल एस जोले एंड शी इज अ रैपर एंड सिंगर बाय प्रोफेशन। थैंक यू सो मच मैम हमें आज टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी मैम कि दर्शकों को आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। It's an honor to be on this platform. And let me introduce, मेरा नाम है, original नाम है मृणाल ढोले, but मेरा stage name है मृणाल शंकर. Shankar is my father's name. And I am a mechanical engineer by qualification. But since last three years I've been into rapping. And उसके पहले I was into singing and performing and I was a performer, just a performer. And recently, like right before lockdown, I started writing my original music. And then eventually I turned to rap. And it's going very well in hip-hop so far. तो मृणाल, मैं जानना चाहूंगी कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? सफर शुरू हुआ वैसे तो कह सकते हैं, it all started in music from a guitar. एक्चुअली सो 10वीं की छुट्टियों में पेरेंट्स सबको लगाते हैं MSCIT एंड ये वो क्लासेस, माई मॉम पुट मी फॉर अ गिटार क्लास। यू नो वो चाहती थी बचपन में कि वो सीखे, तो उनको नहीं सीखने मिला तो शी पुट मी एंड वहाँ पे मैंने गिटार बहुत क्विकली सीख लिया। मेरे गिटार के जो टीचर हैं, आई गिव क्रेडिट टू देम फॉर माई सिंगिंग, उन्होंने बहुत पुश किया कि यू नो तुम्हें गाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आई स्टार्टेड सिंगिंग बाय माय सेल्फ, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं है सिंगिंग में एंड पहले बहुत रफ हुआ करती थी सिंगिंग, इतना आता नहीं था, बट आई यूज्ड टू ट्राई विद व्हाटएवर आई हैव। बट धीरे धीरे एज आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन पब्लिक, कुछ फंक्शंस हो या कॉलेज गैदरिंग हो, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और कॉन्फिडेंस आवाज में भी आने लगा, पर्सनैलिटी में भी आने लगा एंड आई मेट सम नाइस पीपल अलोंग द वे। मैं पहले सोलो परफॉर्म करती थी, फिर I had a band, rock band mein perform karne lagi. Uske baad there was a phase where it was a lockdown. So lockdown mein I was pushed to write more by myself. Like many others who tried to dwell into whatever talent they have. So I found my writing skills in lockdown usually, mostly. And uske baad logon ko bhi pasand aane laga ki ye ladki rap kar rahi hai, acha kar rahi hai. मेरे सिंगिंग स्किल्स में रैपिंग के साथ ब्लेंड करने लग गई, तो दे लाइक इट इवन मोर। सो आई एम स्टिल यूजिंग दैट, आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट बेटर बिकॉज़ आई जस्ट स्टार्टेड रैपिंग। लॉकडाउन में मृणाल, काफी लोगों ने एक नया टैलेंट, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो कुकिंग टैलेंट खोज लिया, कुछ लोग को ये पता चल गया कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, लिखती बहुत अच्छा हूँ, या कॉन्टेंट क्रिएशन जो है मेरा, द विट जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही आपको भी पता चला कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ लिखने से भी नहीं कि आप वो टैलेंट जब लोगों को दिखाते नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलता। आई वॉज रियली एंथुसियास्टिक इन दैट मैटर कि भाई मैंने कुछ बनाया तो मुझे वो सोशल मीडिया पे डालना है एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों को समझा कि मृणाल करके कोई लड़की है जो कर रही है और उन्होंने और लोगों के साथ शेयर किया, ऐसे करते करते अच्छे अच्छे लोगों तक जो मैंने छोटा मोटा बनाया था वो पहुंचते चला गया और थोड़ा बहुत नाम बनने लगा। तो भले ही सब में टैलेंट हो बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसे दिखाएं, वरना आपको कोई हेल्प नहीं करेगा अगर किसी को मालूम ही नहीं कि आप करते क्या हो, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल मृणाल, मृणाल मैं ये सवाल करना चाहूंगी आपसे कि चूंकि जब भी कोई इंसान एक फील्ड में उतरता है, किसी डिपार्टमेंट में जाता है या कुछ भी करता है अपनी लाइफ में, तो उसका एक रोल मॉडल होता है। क्या रोल मॉडल रहा आपका, क्या किनको देख के आपको इंस्पिरेशन आई कि नहीं यार ये भी ऐसा करते हैं या करती हैं, तो इनको देख के मुझे बड़ी इंस्पिरेशन आती है और मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए? इंस्पिरेशन
वैसे एज वाइज चेंज होते गए, जो जो सामने है कौन कैसे पर्सनालिटीज है उनके बारे में नॉलेज कितना है आपको. बट जी. एट द टॉप ऑफ माय फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड आई कैन थिंक ऑफ टू वुमेन राइट नाउ. फर्स्ट आई विल से यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बियॉन्से. मैं हर बार मेंशन करती हूँ, शी इज अ परफॉर्मर एंड भले ही मेरा सिंगिंग में उनके फील्ड का सिंगिंग में मतलब उनके फील्ड के रिलेटेड मेरा नहीं है काम, बट स्टिल द काइंड ऑफ यू नो ऑरा शी हैज, आई वांट टू जस्ट बी ऑन दैट पाथ टू हैव दैट ऑरा. एंड सेकंड पर्सनालिटी इज प्रियंका चोपड़ा. द वे शी हैज बिल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी कॉन्टेक्ट के. I really like you know self-made people जो वो first generation artists और जिन्होंने जिनका उस तरीके में कोई expertise ना होते हुए भी उसमें excel करके दिखाया है. जैसे कि she was a tomboy, so was I. And that girl became you know Miss India and Miss you Miss World I guess if I'm not wrong. And then उसके बाद भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, but still she is still achieving, she is still going on, still making new records and it's very inspiring whenever I look at her. मृणाल, आपकी प्रोफाइल को जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया उस पर देखा जाना समझा तो देखा कि श्रेयस मेंदिरत्ता के साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो उस पर क्या आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगी, थोड़ी रोशनी उस पर भी डालें. Actually, काम नहीं किया हुआ है शायद. I follow him, yes we have talked, but I think हमने काम नहीं किया अभी तक, but he is a very nice artist, he does everything. Okay. He also sings well. Yes, exactly. Saying is, I think he did some rapping also recently and for comedian तो वो है ही. तो मृणाल, हर म्यूजिशियन की एक मेलेडी होती है या एक सॉन्ग होता है जिसे वो अपनी लाइफ लॉन्ग स्टिक करता है या करती है, और एक वो उसको एक क्या कहेंगे हमारा मोटिवेशन या कहेंगे मूड को फ्रेश करने वाला एक वो होता है कि नहीं अब मेरा मूड बिल्कुल एकदम बर्नआउट हो चुका है, मैं पूरी तरह से बर्नआउट हो चुकी हूँ, आई नीड दिस सॉन्ग, आई नीड टू हियर इट whenever I get burnout. तो कौन सा ऐसा वो melody है, कौन सी ऐसी song है, कौन सा ऐसा singer है जिसको आप काफी ज़्यादा admire करती हैं? Well, मेरी choice बहुत ऐसे 90s की तरफ जाती है हमेशा. तो well there is a choice, like मेरे songs में भी एक song है जो मुझे मेरे previous part मतलब जो भी पीछे हुआ था वो मैंने उसमें बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो वो एक गाना है वो मैं बताती हूँ बाद में. बट व्हेनेवर आई फील लाइक नॉट इंस्पायर्ड अ लॉट, मैं मुझे पॉप एक्चुअली पसंद है, आई लिसन टू पॉप सॉन्ग्स एंड ट्राई टू राइट हिप हॉप. सिंस मैं सिंगिंग भी करती हूँ तो मेरी इंस्पिरेशन जाती है. देयर वर सम गर्ल बैंड्स इन द पास्ट लाइक डेस्टिनीज चाइल्ड एंड some 90s references tab ke time se gaane sunti hu like 90s hits and stuff and other than that there is a song called legends never die so wo sunne ke baad mujhe hamesha goosebumps aate hain and I feel like I should go and do something. And mera sabse pehla gaana jo maine likha tha it's called karke dikhayegi, so wo rap song tha. There are a lot of memories related to that song. मेकअप फेस से जा रही थी, बहुत कुछ कर करके दिखाने की कोशिश कर रही थी, और वैसे उसी के बारे में वो गाना है कि करके दिखाएगी से वरना लौट के आएगी नहीं. तो व्हेन आई लिसन टू माय दैट सॉन्ग आई रिमेम्बर ऑल माय पास्ट जर्नी एंड आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड गो सरपास व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ. आई फील रियली मोटिवेटेड बाय माय ओन लाइन समटाइम्स दैट आल्सो हैपेंस. मृणाल, चूंकि आप इतनी हुनरमंद है, आप इतना अच्छा रैप करती है, तो क्यों ना कुछ चंद पंक्तियां आपके रैप से हम दर्शकों को सुनाएं. ओके, श्योर. मैं पहला वाला गाना ही मेरा सुनाऊंगी. फिलहाल मैं कलमकार करके एक म्यूजिक लेवल में साइन हूँ, बट उसके पहले मैंने कुछ गाने डाले हुए थे जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है. तो सबसे पहला वाला गाने की मैं कुछ लाइन बताऊंगी जिसका नाम है ऑफ कोर्स करके दिखाएंगे.
करके दिखाएगी सही, मैं करके दिखाएगी सही, वरना लौट के आएगी नहीं, सब करके दिखाएगी सही। आज निकली हूँ यहीं से, कल पहुंचेगी कहीं पे, उड़ते 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 जाओ, पाँव रखने ना जमीन पे, लांगी चौकटे छलांगों से, खाबो का मस्ता कांधों पे उठा के भागी, सपनों को लगा के अपने जी से, बना के मेरे खौफ को शौक, देखी झोंक खुद को मिन्नोक से, साला होप्स का गजब है, डर पे डर के लगा के मेरे आग में राख कर दू तुझको मेरी आवाज से, बेटा ये माया अब है अपने पैरों पे जाएगी, खुद खतरे उठाएगी, चल होंगी थोड़ी गलती या उनको ना दोहराएगी, हाँ और है जिनका भरोसा मुझ पर सिर्फ उनकी खातिर, सवारी अपने का मैया भी की मिलाएगी, यही करके दिखाएगी सही, मैं करके दिखाएगी सही, वरना लौट के आएगी नहीं, सब करके दिखाएगी सही। सॉरी आई लॉस्ट टच। तो दर्शकों मृणाल करके दिखाएगी नहीं तो लौट के नहीं आएगी। वेरी एग्जैक्टली बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इम्पावरिंग सॉन्ग है। आई थिंक एवरी वुमेन शुड लिसन टू योर रैप दिस वन। लाइक स्पेसिफिकली मैं खुद रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने लाइव सुन लिया है, तो ये सौभाग्य मुझे मिल गया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी दर्शकों को कि इस इंटरव्यू के थ्रू आप इस रैप को सुने, और मृणाल के पेज पे आई थिंक ये होगा, तो प्लीज यस, ये गो। मेरे चैनल पे है। जी यस जी जी बिल्कुल, गो एंड सर्च इट एंड लिसन टू इट। बहुत सुंदर रैप है। मृणाल मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि एक आप इतनी बेमिसाल महिला सशक्तिकरण की एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है बहुत अच्छा, तो इस रैप इंडस्ट्री में लड़कियों की जो मात्रा है वो काफी कम है, उस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है पहले बहुत कम थी, आफ्टर जी इवन आफ्टर गली बॉय में मुझे भी रैप हिप हॉप की तरफ में कब इंक्लाइंड हुई, जी देयर वाज अ मूवी, देन देयर वाज अ रैप शो, लॉट ऑफ जी पीपल गॉट टू नो अबाउट इट कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सो जी द नंबर इज इंक्रीजिंग बट जी इट्स वेरी वेरी स्लो पेस। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब मैं भी बाहर जाती हूँ, मेरे जी पेरेंट्स भी दे वर नॉट ओके, बिकॉज इट्स लाइक अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स आर आर्टिस्टिक फील्ड्स, जहाँ पे जी लेट आवर्स ऑफ वर्क रहता है, कभी कभी आप कभी काम कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, उसको कोई टाइम नहीं होता आर्टिस्ट के जी लिए। बिल्कुल जी तो और हमारे यहाँ पे स्पेशली मराठी घरों में एक रहता कि काम का टाइम मतलब यार 9 से 5, रात को थोड़ी या कोई काम करता है वगैरह वगैरह, जी, बट बिल्कुल हर हर काम का कोई जोन होता है, फिर हर इंसान का कोई जोन होता है, बट जी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लोगों में नहीं है जी कि ये आर्टिस्टिक फील्ड कैसा है। अगर किसी के घर में कोई आर्टिस्ट है फुल टाइम, तो उन्हें थोड़ा आइडिया होता है कि भाई चीजें कैसी होती है, नहीं दिस इज ओके, जी शोज रात को ही जी क्यों होते हैं, तो लड़की अगर रात को शो है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, आपको जाने देना चाहिए, या फिर जो भी, या फिर जी ट्रस्ट योर गर्ल एंड जस्ट लेट देम बी, व्हाट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। बट जी ये सब बिकॉज आई वाज फर्स्ट आर्टिस्ट इन माय फैमिली, ये सब समझने में बहुत टाइम लगा। मोस्ट ऑफ द जी टाइम मुझे रिबल करके ही जाना पड़ा, और जाके जी प्रूव करने के आने के बाद भी थिंग्स वर नॉट ओके। मतलब ऐसा रहता है कि सेफ्टी कंसर्न, एवरीबडी हैज सेफ्टी कंसर्न, और गर्ल्स के बारे में तो बहुत ज्यादा होता है कि भाई जी तुम हम कैसे तुम्हें जाने दे, तुम्हें सिटी से 2 घंटे दूर जाना है और फिर बाद में वापस जी आना है, हाउ डू जी ऑन योर ओन। तो जी इट्स दैट कंसर्न, बिकॉज ऑफ दैट पीपल डोंट लेट गर्ल्स डू इट, ऑल्सो गर्ल्स टेक केयर ऑफ देर इज अ इमोशनल साइड, कि अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मोस्ट गर्ल्स मान लेती है कि भाई ठीक हाँ है, या फिर हाँ मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। बट मेरा नेचर उल्टा था, तो जब उन्होंने मना किया तो मैं और करने लग गई, तो उसी चक्कर जी में कुछ बन गई एक्चुअली। बट ऐसा बहुत कम लोगों में होता है जो अगेंस्ट जाने की ताकत रखते हैं। जी बट ये तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, हाँ देर आर अ लॉट लेस पेरेंट्स हु आर सपोर्टिव ऑफ दिस। मैंने बहुत जी जगह जी देखा है कि समझो मेरे जैसे लोग हैं जिनको कुछ ऐसे करना है अलग, बट उनके घर जी में सपोर्ट नहीं रहता। और ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे जिनके पेरेंट्स कूल रहते हैं इनके बारे में, इन चीजों के बारे में, जी उन घर के जी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये हाँ बहुत जी ऑड कॉम्बिनेशन रहता है, ये हमेशा हुआ हाँ करता है। बिल्कुल तो मैं चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी उसके बारे में जो
बात होनी चाहिए, अगर लड़की को कुछ करना है तो फर्स्ट थिंग घर वालों ने भी सपोर्ट, जी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जी जी इवन मैं रैप करने लग गई तब भी घर में चीजें ठीक नहीं थी, बट व्हेन इट गॉट बेटर, जी जब मैं लेबल में साइंड हो गई, जी दैट देयर वाज एन अश्योरिटी कि भाई मेरे जी पेरेंट्स रिलैक्स हो गए कि भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे कोई टीम है, कि देयर इज जी समवन टू टेक केयर ऑफ यू, हु टेक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यू, एंड जी दैट्स व्हाई दे गॉट रिलैक्स्ड एंड नाउ थिंग्स आर नॉर्मल। अदरवाइज देयर वर मेनी इयर्स जो हमने ऐसे ही विद यू नो क्वारल्स एंड ये सब चीजों में वेस्ट हो गए, क्योंकि जी ट्रस्ट नहीं था कि हम तुम्हें कैसे जाने दें। तो वही सही चीज है। बात, सही बात है बट आई थिंक जी। मेरे स्टोरी में बिकॉज आई गॉट साइंड, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो गई मेरे लिए, एंड दैट वर्क जी फॉर मी आई जी गेस। सो जी इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच वर्क्स फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड योर पेरेंट्स पीस ऑफ माइंड, कि भाई देयर इज वन मिडिल वे, यू नो मिडवे क्या कहते हैं उसे, वन कॉमन ग्राउंड जो दोनों के लिए वर्क हाँ, करता है। तो भले ग्राउंड ही अगर जीरो। कोई काम बोल रहा है, हाँ, तो वो ढूंढना चाहिए कि वो क्या है। कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कैफेज में परफॉर्म ना करूं, बट मैंने किया, फिर मुझे समझा कि ओके मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आई चेंज इट, आई मेड अ बिग बैंड, आई वाज नॉट परफॉर्मिंग अलोन, नाउ आई परफॉर्मिंग विद मेनी पीपल व्हिच वाज मोर सिक्योर। आप अकेले परफॉर्म करते हो तो वो अलग बात पड़ती है। तो ऐसे ही मैं नए नए सोल्यूशन ढूंढते गई और फाइनली आई गॉट वन सोल्यूशन कि जैसे मैं कर सकती हूँ, बट सेफ्टी कंसर्न ही मेन है जिसकी वजह से लड़कियां नहीं होती है ज्यादा। जी। तो कहीं ना कहीं देखिए दर्शकों, बागी बनना पड़ेगा, समाज से लड़ना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी फील्ड में, किसी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ आपको सिंगर, रैपर, एक्टर, मॉडल, जो भी करना है, यहाँ पे एक सेफ्टी कंसर्न हमेशा रहता है फॉर लेडीज स्पेसिफिकली, चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि समाज में एक रात में तो बदलाव नहीं आ सकता, थोड़ा समय लगता है। कुछ बदलाव अभी आ चुके हैं, कुछ बदलाव अभी आने को हैं। तो मृणाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे नव भारत की नारियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? नव भारत के नारियों के लिए मृणाल शंकर की तरफ से संदेश ये है कि अपने सपनों पे हमसे ज्यादा भरोसा और कोई नहीं कर सकता। जी सो पहले खुद अपने सपनों पे भरोसा करना सीखे, और जी एक बार आपके इंटेंशंस क्लियर हो तो जी बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं, जो आपको मदद करेंगे, बिना मांगे लोग आपको मदद करने आते हैं, बिकॉज वो आप में उनके सपने पूरे हुए होते हुए देखते हैं। मुझे, मेरे साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो किसी, बिना किसी अपेक्षा के, जब भी मैं चाहूँ या फिर जब भी मुझे कोई जरूरत हो, वो खुद से आते हैं। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव सच पीपल अराउंड मी। और ये तभी होता है जब आप अपने इंटेंशन से ट्रू हो कि भाई मुझे जी ये करना है, और ये मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि मुझे ना ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। सो व्हेन आई प्रोजेक्ट दैट थॉट, लोगों को भी पता चलता है कि ओके इसका ना फोकस क्लियर है, इसके पास जाके जी बकवास नहीं करनी है। तो दे जी ऑलवेज कम टू मी विद अ नाइस इंटेंशन। सो जी भले ही या तो अपने सपनों पे भरोसा रखिए और अच्छे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ जुड़े रहें, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें, जी और दैट्स इट आई थिंक। अभी बोलने के लिए मुझे यही याद आ रहा है, एक्चुअली बहुत जी कुछ है, बट राइट नाउ आई कैन ओनली थिंक ऑफ दिस, दैट्स इट। यस यस बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी हमारे साथ जुड़ने का आज। और ये थी एक और सुपर वुमेन मृणाल एस टोली। एंड ऐसे ही हम रोज एक नई सुपर वुमेन के साथ मिलते रहेंगे, उनकी कहानियां सुनते रहेंगे। देखते रहिए नव भारत। नमस्कार।